लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड हो चुका था। आज अपना टॉपिक है सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से है ये, दूसरा टाइप हो गया, पहला हो गया ग्राफिकल मेथड और यह है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमें दो इक्वेशन दिया जाएगा, क्योंकि सिस्टम हमें दो इक्वेशन का दे रहा था। जैसे मान चलिए एक इक्वेशन दे रखा है a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। इक्वेशन फर्स्ट, ये का इक्वेशन सेकेंड, ये दो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, कल तक तो हम सॉल्व किए थे ग्राफिकल मेथड से, आज जो सॉल्व करना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, जो यानी कि जो गिवन इक्वेशन होगा, जो हमें गिवन इक्वेशन होगा, उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से y का वैल्यू फाइंड करेंगे। जो गिवन इक्वेशन होगा उन दोनों इक्वेशन में से, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से y का वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। y का वैल्यू फाइंड करेंगे x के टर्म में, और y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड करेंगे उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड करेंगे, y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड करेंगे और उसको दूसरे इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो वहां से क्या होगा, जो x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर जो x का वैल्यू मिलेगा उसको हम पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से हमें क्या होगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो, यानी कि हम इसको दिखाते हैं आपको करके कैसे करेंगे। लेट a1x + b1y + c1 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, a2x + b2y + c2 = 0, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें से क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे और x के टर्म में फाइंड करेंगे, y का वैल्यू x के टर्म में। देखो, बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का हम यूज कर रहे हैं, बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को हम यूज कर रहे हैं, वह है a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, यहां से हमें y का वैल्यू निकालना है, तो b1y = -c1, ये माइनस का a1x - c1। समझ में आ गया, यानी कि b1y का वैल्यू हम निकाल रहे थे, ये a1x और c1 को उठा के इधर कर दिए, दोनों प्लस में था उठा के इधर कर दिए, माइनस में आ गया। अब यहां से y का वैल्यू फाइंड करेंगे, y को क्या आ जाएगा, -a1x + a1x - c1/b1, क्योंकि इसके y के मल्टीप्लाई में b1 है, तो y का वैल्यू फाइंड करना है, तो b1 आ जाएगा इसके नीचे में। ठीक है, बस में आ गया, ये हमारे पास क्या हुआ, जो y का वैल्यू हमें मिल गया x के टर्म में, y का वैल्यू हमें मिल गया x के टर्म में। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, जो ये जो y का वैल्यू है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, सेकेंड में, क्योंकि फर्स्ट से निकाले हैं, फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे, सेकेंड में पुट करेंगे। ठीक है, सेकेंड में देखो, पुट y = -a1x - c1/b1 इन इक्वेशन सेकेंड, जो इक्वेशन सेकेंड है उस सेकेंड इक्वेशन में y का वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो y का वैल्यू हम x के टर्म में निकाले हैं वो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो क्या आ जाएगा, a2x + b2 * y की जगह पे y का वैल्यू ये रहा, -a1x - c1/b1 + c2 = 0। ठीक है, तो y के जगह पे y का वैल्यू हम रख दिए। अब यहां से क्या हुआ, जो ये जो इक्वेशन जो है, इक्वेशन क्या हुआ, x के टर्म में आ जाएगा, इक्वेशन जो है अब हमें x के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, पहले ब्रैकेट यहां से इस माइनस को हम बाहर कर देते हैं, ये जाएगा a2x, देखो यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, कॉमन लेके बाहर कर देंगे, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके बाहर करेंगे तो यहां पे प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, और यहां तो हो गया माइनस। ठीक है, इस b2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या जाएगा, या फिर देखो क्या हो जाएगा, b2 a1x + b2 c1/b1। ठीक है,
यानी इन दोनों में से माइनस लेके कॉमन लेके हम बाहर कर दिए और इस बी टू को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। बस में आ गया। अब देखिए इसके अकाउंट में कुछ नहीं, वन यहां पे वन। बस में आ गया। इन तीनों का एलसीएम लेते हैं कितना हो जाएगा, बी वन, यहां भी वन है, यहां पे बी वन है और यहां पे वन है, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, बी वन, यहां पे वन है और एलसीएम है बी वन, इसमें बी वन से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ए टू बी वन एक्स, ठीक है, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस बी माइनस ए वन बी टू एक्स, फिर माइनस बी टू सी वन, और फिर प्लस यहां पे वन है और एलसीएम कितना है, बी वन, इसमें बी वन से मल्टीप्लाई, बी वन सी टू इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। अकाउंट में कुछ नहीं, वन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरे को वन से मल्टीप्लाई और बी वन को जीरो से, क्या हो जाएगा, ए टू बी वन एक्स माइनस ए वन बी टू एक्स माइनस बी टू सी वन प्लस बी वन सी टू इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसको वन से मल्टीप्लाई पूरे को और इसको जीरो से, जीरो हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म को एक तरफ, कॉन्स्टेंट को एक तरफ, जिसमें एक्स है उसको एक तरफ छोड़ देंगे, जिसमें एक्स नहीं है उसको दूसरी तरफ, इन दोनों में एक्स है, ए टू बी वन एक्स माइनस ए वन बी टू एक्स इक्वल टू लगा देंगे, इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स नहीं है, इन दोनों को उठा के इधर रखेंगे, इस पूरे के आगे में क्या है, माइनस, उठा के इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि क्या लिखा हुआ है, बी टू सी वन, यहां पे क्या है, इसके आगे में क्या है, प्लस, उठा के इसको इधर करेंगे क्या जाएगा, माइनस, यानी कि बी वन सी टू। पास में आ गया। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, दोनों में से एक्स कॉमन ले लेंगे, जब एक्स कॉमन लेंगे क्या होगा, ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, कॉमन ले लिए, क्या गया, इक्वल टू बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू। पास में आ गया। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म, यानी कि बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू अपॉन ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू, तो ये क्या हो गया, x का वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। अब ये जो x का वैल्यू है, इस x का वैल्यू लेके हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रख देंगे, जो एक्स का वैल्यू हम निकाले हैं उस एक्स के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट या फिर सेकेंड या फिर ये जो रिलेशन है यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है, इन तीनों में कहीं भी एक्स का वैल्यू रख देंगे तो वहां से हमें क्या होगा, जो वाई का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल है, एक एक्स है दूसरा वाई है, तो यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आएगा, एक एक्स का एक वाई का, एक्स का तो वैल्यू निकल गया, वाई का वैल्यू निकालने के लिए वो x का वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड कहीं भी पुट कर देंगे, वहां से y का वैल्यू हमें मिल जाएगा। बस में आ गया। उसको आगे अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, ये x का वैल्यू यहां पे रख देंगे, दोनों में से कहीं भी वहां से y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कल हम पढ़े थे ग्राफिकल, ग्राफिकल में क्या था, जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसमें क्या है, जो किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन से y का वैल्यू लेंगे और उसको दूसरे में पुट कर देंगे, तो वहां से क्या होगा, एक नया लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, किसमें, x में, क्योंकि ये जो लीनियर इक्वेशन बना था किसमें बना था, x में बना था, y का वैल्यू जो है x के टर्म में हमें मिला था, ठीक है। तो वहां से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। वहां से आ गया। तो अब ये तो हम आपको बता दिए, अब इसी का यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ, चार पांच स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि जो चीज हम इस क्वेश्चन में किए हैं वही चीज यहाँ पे स्टेप में लिखा हुआ है, ठीक है। एक एक स्टेप पढ़ के हम इसको समझते हैं, एक एक स्टेप देखते हैं। देखो स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या है, एक्सप्रेस वाई, स्टेप फर्स्ट एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या बोला है, जो गिवन इक्वेशन है उसमें से किसी एक इक्वेशन से y का वैल्यू हमें फाइंड करना है x के टर्म में, y का वैल्यू हमें फाइंड करना है x के टर्म में। हम भी यहां पे वही चीज किए थे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन में से y का वैल्यू फाइंड किए थे x के टर्म में। बात समझ आ गया। तो पहला स्टेप क्या याद रखेंगे, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x
इन वन ऑफ द गिवेन इक्वेशन, जो हमें गिवेन इक्वेशन होगा उसमें से हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे x के टर्म में से, x के टर्म में, ठीक है। पहला स्टेप। स्टेप सेकेंड, सेकेंड स्टेप देखो क्या है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x इन द अदर इक्वेशन, दिस गिव्स ए लीनियर इक्वेशन इन x। सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, जो फर्स्ट इक्वेशन में से जो y का वैल्यू मिला है उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करो, दूसरे का मतलब यानी यहां पे क्या बोला है, अदर बोला है, इन द अदर इक्वेशन, यानी जिसमें से y का वैल्यू निकालेंगे उसमें नहीं, दूसरे में रखना है। तो दूसरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू हम रख देंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू रख देंगे। तो वहां से हमें, जब y का वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन से रख देंगे तो वहां से हमें क्या होगा, जो दिस गिव्स ए लीनियर इक्वेशन इन x, हमें x में एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। वही चीज यहाँ पे हुआ था जी, ये जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में रखे थे, यहाँ पे लिखा हुआ था पुट y इक्वल टू इतना इन इक्वेशन सेकेंड। तो y का वैल्यू जब इक्वेशन सेकेंड में रखे, हमें यहाँ पे क्या हुआ, एक इक्वेशन मिला है। ये जो इक्वेशन है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएबल x है और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 1, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कौन है, x, सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो कौन है, x। वही चीज इस स्टेप में बोला है, जब y का वैल्यू किसी इक्वेशन में रखेंगे हमें क्या होगा, दिस गिव्स लीनियर इक्वेशन इन x, दिस गिव्स ए लीनियर इक्वेशन इन x, एक हमें लीनियर इक्वेशन मिलेगा जो कि किसमें होगा, x में, वो लीनियर इक्वेशन ये रहा। बात समझ आ गया, सेकंड स्टेप तक। थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड, तीसरे स्टेप में क्या है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x ऑब्टेंड इन स्टेप सेकंड। जो स्टेप सेकंड में हमें लीनियर इक्वेशन मिलेगा उसको क्या करने बोला है, सॉल्व करना है। स्टेप सेकंड में लीनियर इक्वेशन ये मिला था, इसको हम सॉल्व कर लिए, क्या किए सॉल्व करने के लिए, दोनों में से x कॉमन ले लिए तो वहां से x का हमें वैल्यू मिल गया, वही चीज बोला है स्टेप थर्ड में। स्टेप फोर्थ, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द रिलेशन, इन द रिलेशन टेकन इन स्टेप फर्स्ट टू ऑब्टेन ए लीनियर इक्वेशन इन y। बस ना, यानी बोला है ये जो x का जो वैल्यू मिला है इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देना है, जो स्टेप फर्स्ट में रिलेशन मिला है उसमें पुट कर देना। ये जरूरी नहीं है जो सिर्फ यहीं पे पुट करने से हमें मिलेगा, यहां भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, हम स्टार्टिंग में बता दिए थे इन इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे या फिर यहां पे कर देंगे, ठीक है। स्टेप में लिखा हुआ है यहां पे हमें पुट करना है, तो जरूरी नहीं है यहीं पे सिर्फ पुट करेंगे, यहां भी पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में भी या फिर इस इक्वेशन में भी। बस समझ गया, तो फोर्थ स्टेप समझ में आ गया। फोर्थ स्टेप में क्या बोला है, x का जो वैल्यू मिलेगा उस x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है। स्टेप फाइव, सॉल्व द एवम लीनियर इक्वेशन इन y। इस जब ये वाला वैल्यू इन दोनों में से कहीं रखेंगे वहां पे जो लीनियर इक्वेशन बनेगा वो y में बनेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, जब x का वैल्यू फाइंड करना था, जब x का वैल्यू फाइंड करना था तो x में लीनियर इक्वेशन बना था, अब y का वैल्यू फाइंड करना है तो y में लीनियर इक्वेशन बनेगा। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, जो सॉल्व द एवम लीनियर इक्वेशन इन y टू गेट द वैल्यू ऑफ y। बस में आ गया, यानी कि क्या हुआ, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें पहला स्टेप याद रखना है, जो दोनों में से जो इक्वेशन हमें गिवन रहेगा, दोनों में से जो इक्वेशन हमें गिवन रहेगा उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे और x के टर्म में, y का वैल्यू फाइंड करेंगे x के टर्म में, फिर उस वैल्यू को उठा के अदर इक्वेशन किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे निकालेंगे उसमें नहीं, कोई दूसरे इक्वेशन में हम उस y के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वहां से क्या होगा, जब हम y का वैल्यू किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां पे एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा और वो लीनियर इक्वेशन जो होगा वो किस में होगा, x में होगा। बात समझ आएगा, तो वहां से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जब x का वैल्यू मिलेगा तो उस x के वैल्यू को दोनों इक्वेशन में या फिर जो रिलेशन हम y में निकालेंगे x के टर्म में उनमें, यानी इन तीनों में कहीं भी उस x के वैल्यू को पुट कर देंगे, हमें क्या होगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, किसी इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख देना है तो वहां से x का वैल्यू मिलेगा, और उस x का वैल्यू को लेके फिर से किसी इक्वेशन में रख देंगे तो वहां से y का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ आ गया, तो लीनियर इक्वेशन का दो टाइप अपने समझ में आ गया, एक था ग्राफिकल मेथड, उसमें ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे सॉल्यूशन मिलेगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हुआ,
जो y का वैल्यू निकाल के किसी इक्वेशन में रखेंगे बस x का वैल्यू मिलेगा, और x का वैल्यू फिर दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बात समझ आ गया। अब इसी पे हम कुछ एग्जांपल करते हैं, ठीक है। इन पांचों स्टेप को जो है अच्छे से हमें याद रखना है, जो भी स्टेप है, ठीक है। स्टेप को जब हम याद रखेंगे क्वेश्चन जो होगा जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब इसको एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो। देखिए पहला एग्जाम्पल अपना है, पहला क्वेश्चन देते हैं। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, नंबर वन, पहला क्वेश्चन है 2x + y = 7, 4x - 3y + 1 = 0। इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। करते हैं एक एक स्टेप करके हम सॉल्व करेंगे। पहले दोनों को हम इक्वेशन कंसीडर करेंगे, इसको ले लिए इक्वेशन फर्स्ट, ये का इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इसको ले लिए इक्वेशन फर्स्ट, ये का इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज करेंगे, दोनों में से कोई सा भी एक ले लेंगे। बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में 2x + y = 7, यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 2x, यानी 2x को उठा के इधर कर दिए। ये जो रिलेशन मिला इसको हम नया इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। बात समझ आ गया। अब क्या किए, पहला स्टेप था y का वैल्यू फाइंड करना है x के टर्म में, y का वैल्यू मिल गया x के टर्म में। अब इस y का वैल्यू को लेके अदर इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, इससे y का वैल्यू निकला है इसमें रखेंगे, इसमें आया इसमें रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। अब यहां पे लिख देते हैं पुट y = 7 - 2x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में y का वैल्यू, इक्वेशन सेकेंड ये रहा 4x - 3y, y का वैल्यू ये रहा 7 - 2x + 1 = 0। अब यहां से आ जाएगा 4x - 3 से मल्टीप्लाई -21 - -6x + 1 = 0, 4x + 6x - 21 + 1 माइनस का 20 = 0। बस समझ आ गया। अब यहां से क्या जाएगा 10x = 20, क्योंकि 6x + 4x - 21 + 1 = 20। अब इसको उठा के देख लें, ये 20 से कैंसिल, 2 टाइम्स x इक्वल टू कितना आ गया 2। बात समझ आ गया। अब ये जो x का वैल्यू आया है, इस x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड या फिर थर्ड कहीं भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहीं भी रख देंगे, वहां से क्या होगा y का वैल्यू मिल जाएगा। बस में आ गया। पुट x = 2 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में अब x का वैल्यू 2 रखते हैं, इक्वेशन थर्ड में आ जाएगा y = 7 - 2 × 2, क्योंकि x के जगह पे क्या जाएगा 2, तो y = 7 - 4, यहां से y = कितना आ गया 3। बस में आ गया। तो क्वेश्चन में हमें बोला था सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि x और y के लिए हमें सॉल्व करना था और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम आसानी से क्या किए, दोनों इक्वेशन जो था उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक से y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे x के टर्म में,
इक्वेशन फर्स्ट से हम y का वैल्यू फाइंड कर दिए x के टर्म में और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिए, वहां से हमें x का वैल्यू मिला और उस x का वैल्यू को लेके इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड या फिर थर्ड कहीं भी रख देंगे वहां से क्या होगा y का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ आ गया? अब देखिए अगला एग्जांपल हम करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हो गया, अब हम सेकेंड एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर सेकेंड, सेकेंड एक एग्जांपल है x प्लस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस 3y इक्वल टू 26। ये ठीक है, यहाँ से भी एक्स वाई के लिए भी हमें सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको हम ले लिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिए इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से y का वैल्यू फाइंड करेंगे x के टर्म में। देखो y यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट। यहां से y इक्वल टू 3 माइनस x, इस x को उठा के इधर ले आए। ठीक है, यहां पे क्या हुआ y का वैल्यू मिला x के टर्म में, इसको हम लिख कर लिए इक्वेशन नंबर थर्ड। बस में आ गया। अब पुट y इक्वल टू 3 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से हम y का वैल्यू फाइंड किया, इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। 4x माइनस 3 इन टू y का वैल्यू कितना है 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 26। यहां से आ जाएगा 4x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू 26। 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू 26 प्लस 9, ये माइनस 9 है उठा के इधर ले आए प्लस 9, 7x इक्वल टू 35। 26 प्लस 9 35, 7 से 35 कैंसिल, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, x का वैल्यू भी मिल गया 5। अब x का वैल्यू 5 लेके इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड या थर्ड कहीं भी पुट कर देंगे, क्या आप लिखते हैं पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, हम इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, तो 5 प्लस y इक्वल टू 3, x की जगह पे हम क्या रख दिया 5, यहां से y इक्वल टू क्या गया 3, ये प्लस 5 को उठा के ले आएंगे माइनस 5, यहां से y इक्वल टू क्या गया 3 माइनस 5 माइनस 2। बस में आ गया, यानी कि हमें बोला था सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से x y का वैल्यू फाइंड करना था। हम क्या कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको दूसरे इक्वेशन में हम रख देंगे, वहां से हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल नंबर 3, तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर थर्ड, तीसरा एग्जांपल है x माइनस y इक्वल टू 3, x माइनस y इक्वल टू 3, x by 3 प्लस y by 2 इक्वल टू 6, इसके लिए फाइंड करना। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई 2x, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3y इक्वल टू 6, अपॉन में कुछ है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 3y 6 इंटू 6 36, इसको हम ले लिए इक्वेशन नंबर 2। बस में आ गया, यानी कि इसको तो हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट, फिर क्या किए इन दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम कितना आया 6, इसको इधर मल्टीप्लाई 2x, इसको इधर मल्टीप्लाई 3y, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 6 इंटू 6 36, और इसको ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहां से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में से y का वैल्यू फाइंड करेंगे x के टर्म में, y का वैल्यू फाइंड करेंगे x के टर्म में। ये जरूरी नहीं है तो हमेशा y का वैल्यू ही x के टर्म में फाइंड करें, हम x का वैल्यू भी y के टर्म में फाइंड कर सकते हैं। बस में आ गया, x या y दोनों में से किसी का भी वैल्यू हम किसी के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो
बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से x माइनस वाई इक्वल टू क्या है थ्री, यहां से x माइनस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा y, थ्री को इधर कर दिया y को इधर कर दिया, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर बस मेरे। अब ये y का वैल्यू लेके इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, ये y का वैल्यू लेके इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू x माइनस थ्री इन इक्वेशन सेकेंड, इस y का वैल्यू लेके इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू 36, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू ये रहा x माइनस थ्री इक्वल टू 36, तो 2x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 36, इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2x प्लस 3x 5x इक्वल टू 45, जब माइनस 9 को इधर ले आएंगे प्लस 9, अब जब 5 से 45, 5 से 45 कैंसिल कितने बार में 9 टाइम्स, x इक्वल टू कितना आ गया 9, x का वैल्यू 9 आ गया। अब इस x का वैल्यू जो 9 है इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड या थर्ड कहीं भी पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं x की जगह पे 9, 9 माइनस 3 इक्वल टू y, यहां से y इक्वल टू कितना आएगा 9 माइनस 3 6, बस में आ गया। क्वेश्चन एकदम से आसान है, यानी कि हमें x का या फिर y का किसी एक का वैल्यू हमें किसी एक इक्वेशन से फाइंड कर लेना था, हम सब क्वेश्चन में यही तरह कर रहे हैं, जो y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड करते हैं और किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहां से हमें पहले x का वैल्यू मिलता है, फिर उस x के वैल्यू को किसी इक्वेशन में, तीनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, वहां से क्या होगा हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, बस में आ गया। एक और इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल है 3x by 2 minus 5y by 3 equal to minus 2, और दूसरा इक्वेशन है x by 3 plus y by 2 equal to 13 by 6, ये इक्वेशन है, ठीक है, इसमें भी वही है क्वेश्चन, जो सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, तो पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, इसको भी और इसको भी, दोनों को हम दो पार्ट कर दिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई 9x, इसको 2 से मल्टीप्लाई 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई 10, अब अपॉन इनपुट से 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे माइनस 2 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, अब इधर वाले के लिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 2x, इसको 3 से मल्टीप्लाई तो 3y इक्वल टू 13y 6, ये 6 से 6 कैंसिल, तो क्या हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, दोनों इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड किसी में से y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे x के टर्म में, ठीक है, कोई सा भी इक्वेशन से, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, ठीक है, तो माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12 माइनस 9x, इस माइनस को इधर ले आए, यहां से माइनस 12y इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 12 प्लस 9x, माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से y का वैल्यू y इक्वल टू 12 प्लस 9x अपॉन 10, इसको मिली इक्वेशन नंबर बस में आ गया। क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट का यूज किए, वहां से हम y का वैल्यू फाइंड कर लिए और किसके टर्म में x के टर्म में, अब इस y का वैल्यू को हम लेके इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, सेकेंड में पुट y इक्वल टू 12 प्लस 9x बाई 10 इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में y का वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू y,
y का वैल्यू ये रहा 12 प्लस 9x अपॉन 10 इक्वल टू कितना है 13। बात समझ आ गई? अब यहां से क्या करेंगे, इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर एलसीएम ले लेंगे। इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, तो दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 10, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10। अब देखिए हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा 20x, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 12 36, 3 इंटू 9 27x इक्वल टू 13 इंटू 10 100। ये अभी तो 13 नहीं लिखेंगे, अगले स्टेप में करेंगे। तो 27 प्लस 20 47x प्लस 36 बाय 10 इक्वल टू 13 अपॉन में कुछ है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 47x प्लस 36 इक्वल टू 130। यहां से 47x इक्वल टू 130 माइनस 36, 47x इक्वल टू 94, 130 में से 36 माइनस कर देंगे 94, 47 से 94 कैंसिल 2 टाइम्स x इक्वल टू 2, x का वैल्यू मिल गया। अब x का वैल्यू लेके इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में x का वैल्यू 2 रखते हैं इक्वेशन थर्ड में, तो देखा y इक्वल टू 12 प्लस 18, x का वैल्यू 2 रखेंगे 9 इंटू 2 18 बाय 10, ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 12 13 बाय 10, ये कैंसिल तीन बार में, ये कितना आ गया 3, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया 3, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पसंद आ गया? दो मेथड अपना पढ़ चुके हैं, यानी कि ये मेथड तो ये भी एकदम से आसान है, यानी कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से y का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको बचे हुए इक्वेशन में पुट कर देंगे, बस x मिल जाएगा और x का जो वैल्यू मिलेगा उसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी पुट कर देंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और कल हम क्या पढ़े थे, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, उसी का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग, तो दो मेथड हो गया। अब कल जो है तीसरा मेथड हम पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड। बस में आ गया, ग्राफिकल हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, नंबर 3 तीसरा मेथड है एलिमिनेशन, और उसके बाद चौथा मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यह होगा एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन के बाद जो चौथा मेथड होगा वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले हम कल हम पढ़ेंगे तीसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आप लोग जो भी नोट्स वगैरह होता है उसको अच्छे से बनाएंगे, और रोज दिन जो है रोज जो भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल करवाया जा रहा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा बुक में उन सबको सॉल्व करते जाना है। बस ना यार, जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा उन सबको हमें सॉल्व करते जाना है, तभी हमें समझ में आएगा। और अगर जो चीज समझ में नहीं आ रहा पीछे का लेक्चर देखेंगे फिर चीज वो चीज हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है।